उससे अलग आज की वीडियो बहुत खास है, क्योंकि मेरे लिए पास में बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि मैम हमें ना हमारे बेटी का बर्थडे है या हमारा बर्थडे है या किसी स्पेशल का हमारे घर में बर्थडे है, तो मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए जो मेरी और मेरी बेटी के साथ में मैच करे, यानी कि बेटी और माँ की सेम ड्रेस हो जाए, तो मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या मुझे फॉलो करते हैं वो लोग ये भी जानते हैं कि मेरा अपना भी एक काम है जो कि है रीसेलिंग का, यानी कि मैं सेल करती हूँ। मेरे पास में सेल के बहुत ज़्यादा जो है कपड़े वगैरह होते हैं और वो सेल करती हूँ मैं। वो लोगों की डिमांड के ऊपर जो आते हैं कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं, उसके हिसाब से कपड़े हमारे पास में आते हैं और हम उस हिसाब से उनको सेल करते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि वो मेरा पर्सनल है, क्योंकि वो मैं ऑनलाइन की सेल करती हूँ। अगर आपको भी किसी तरीके के कपड़े की या चॉइस की ज़रूरत है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं कि हमें इस टाइप के कपड़े की ज़रूरत है, क्या आपके पास में है। उससे अलग आज की वीडियो बहुत खास है, क्योंकि मेरे लिए पास में बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि मैम हमें ना हमारे बेटी का बर्थडे है या हमारा बर्थडे है या किसी स्पेशल का हमारे घर में बर्थडे है, तो मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए जो मेरी और मेरी बेटी के साथ में मैच करें, यानी कि बेटी और माँ की सेम ड्रेस हो जाए, तो मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए। ऐसी ड्रेस मार्केट में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिटिंग नहीं हो पाती या फिर एज में इतना डिफरेंस हो जाता है कि वो बिल्कुल छोटी होती है और मदर उन टाइप के कपड़े नहीं कैरी कर पाती। जैसे कि बच्चे को स्कर्ट भी पहना दे लेकिन मदर वो स्कर्ट नहीं पहन सकती, तो अधिकतर इसी टाइप के कपड़े होते हैं कि जो बच्चे का होगा वही माँ का होगा, कपड़ा भी सेम होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए टिप्स लेके आई हूँ कि आप अपने घर पर ही इस टाइप के कपड़े कैसे बना सकते हैं, वो भी अपनी साड़ी को रीयूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल, और मैं हूं नताशा। तो आज की वीडियो बहुत खास है, यूट्यूब पे पहली बार इस तरीके की कोई वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी रीयूज की वीडियो देखी है, मैंने खुद भी बनाई है, मैं खुद भी बनाती हूँ, लेकिन इस टाइप की आज तक किसी ने भी रीयूज की वीडियो नहीं बनाई कि मदर और बेटी के या फिर बेटे के जो है आप बना सकते हैं, बेटे तो ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनेंगे, मदर और बेटी के सेम कपड़े आप किस तरीके से बना सकते हैं। कुछ आइडियाज आपके लिए लेके आई हूं मैं इंडियन प्लस वेस्टर्न ड्रेसेस में, या फिर आप कह सकते हैं इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो अगर आपके भी बेटी का बर्थडे है और आप चाहते हैं इस तरीके के कपड़े बनाना या फिर किसी भी ओकेशन में, तो आपके लिए एक सिंपल वो है, आप अपने लिए एक स्कर्ट बना सकते हैं, लॉन्ग स्कर्ट बना सकते हैं, आप जो टॉप होगा उसको मार्केट से खरीद सकते हैं, और बेटी के लिए फुल जो है आप फ्रॉक बना सकते हैं, हैवी सा फ्रॉक बना सकते हैं। एक साड़ी के अंदर वो दोनों जो है आराम से बन जाएंगे और बहुत अच्छे भी लगेंगे। सेकंड आएगी, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोनों के कपड़े सेम ही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती है तो अपने दोनों के लिए आप शॉर्ट फ्रॉक बना सकती है, वो दोनों के भी बन भी जाएगा। ज्यादा हैवी ना बनाकर आप उसको नॉर्मल ऐसे बनाएंगे तो वो बन भी जाएगा। उसके लिए आप किसी जॉर्जेट की या शिफोन की साड़ी का यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत प्यारा भी लगेगा और आराम से वो बन भी जाएगा। थर्ड जो आता है, अगर आप कॉटन की साड़ी है आपके पास में या फिर सिल्क की साड़ी है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ होगा कि आप अपनी बेटी के लिए पटियाला सलवार बना सकते हैं, अपने लिए पटियाला सलवार उसमें से बना सकते हैं, शॉर्ट सूट सूट जो चलते हैं उनको बना सकते हैं, तो वो दोनों के आराम से बन भी जाएगा, क्योंकि बेटी के उसमें बहुत कम आपका कपड़ा लगेगा और आराम से बन भी जाएगा, आप भी उससे अपने सूट और बना सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा हैवी नहीं बनना है पटियाला सूट, तो आप इतना कर सकते हैं कि आप ऊपर का जो कुर्ती है वो अलग से ले सकते हैं, अलग का कपड़ा लेके और कुछ सूट का उसमें मैच करा के आप पहन सकते हैं। जैसे कि आपने ऊपर प्लेन कपड़ा ले लिया, अपना पटियाला सूट उसमें बनवा लिया और बाजू आपने जो है उसी कपड़े की लगवा ली, यानी कि सलवार वाले कपड़े की लगा ली, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, आप ना जैकेट बनवा सकते हैं, दोनों एक जैसे जैकेट बनवा सकते हैं अपनी बेटी की और अपने की, तो वो भी आराम से साड़ी के अंदर से बन जाएगी। जैकेट आप लॉन्ग जैकेट भी बना सकते हैं, शॉर्ट जैकेट भी बना सकते हैं, वो भी आपकी आराम से बन जाएगी। जो लास्ट में मेरे पास में आइडिया है वो भी बहुत खास है, आप क्या बनवा सकते हैं, प्लाजो बनवा सकते हैं, बेटी भी प्लाजो पहन सकती है, आप भी प्लाजो पहन सकते हैं, किसी भी उम्र की अगर आप हैं तो आप पहन सकते हैं, और साथ साथ में ऊपर टॉप बनवा सकते हैं, और जो है आपकी जैकेट है आप नेट की जैकेट आराम से उसमें बनवा सकते हैं। इन आइडियाज़ के साथ में लास्ट में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप कपड़े को अच्छे से चूज़ कीजिएगा, सोच समझ के चूज़ कीजिएगा। अगर आपको उसके भी वीडियोस चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कि मुझे इस तरीके की ड्रेस बनानी है, इसके लिए कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी,
तो आप वो भी बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आपकी जो ड्रेसेस आपको बनवानी है, आपको लेंथ पे डिपेंड करता है। पता लगा कि आप बहुत ज्यादा हैवी है और बेटी भी बहुत ज्यादा हैवी है, तो आप उसमें से एक जो है एक ही साड़ी में से दोनों अपने अपने सूट सलवार नहीं बना सकते, तो आप उसमें स्कर्ट चॉइस रख सकते हैं कि आप स्कर्ट बना लीजिएगा अगर आप पहनते हैं तो, या फिर आप दोनों अपनी अपनी कुर्ती बना सकती हैं, आप उसके लिए कोई स्कर्ट बना सकते हैं, तो इस तरीके की भी आपको बना सकते हैं। साथ ही साथ में एज भी डिपेंड करती है कि आप दोनों की एज एक जैसी है, मतलब एक ही उम्र के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। एक ही उम्र का मतलब ये है कि आप बेटी भी जवान है, आप भी आपकी भी उम्र है, तो आप उसमें से कुर्ती दोनों सेम बनवा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बना सकते हैं, बट बहुत अच्छा आइडिया है कि आप साड़ी रियूज करके घर पे ही अपनी और अपनी बेटी के लिए ड्रेसेस बनवाइए। वो बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको बहुत अलग भी लगेगा, यानी कि आपका अगर बर्थडे वगैरह है तो अलग से ही उसका रौनक आपके कपड़ों पे आ जाएगी। यही था आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।